जानी मानी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हैशटैग मी टू कैंपेन के तहत दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पर आरोप लगाए थे। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर को फिल्म हाउस फुल फोर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं खबरों की माने तो जब इसे लेकर तनुश्री से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो खुश हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो जश्न नहीं मना रही हैं। वो कहती हैं कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। वहीं तनुश्री का ये भी कहना है कि वो खुश है कि अक्षय कुमार जैसे स्टार ने पीछे हटने का फैसला लिया, ऐसे लोगों के साथ काम ना करने का रास्ता चुना। वो इस बात से काफी खुश हैं कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अपना स्टैंड ले रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो तनुश्री का कहना है कि जो कुछ भी हुआ और उस पर जिस तरह से बड़े स्टार सामने आकर स्टैंड ले रहे हैं, ये एक मील का पत्थर है। इससे पहले केवल उन्हीं की बात हो रही थी, लेकिन अब उनका समर्थन करने वाले लोग अपनी बात लेकर आगे आ रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं तनुश्री का ये भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अनुभवों के साथ आगे आने की आवश्यकता है। वो इस आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत कर देना चाहती है। खैर, इस बात में कोई शक नहीं है कि हैशटैग मीटू कैंपेन के तहत अनुश्री दत्ता ने जो अपना अनुभव साझा किया है, उसके बाद से एक के बाद एक लगातार फिल्म जगत और टेलीविजन जगत से जुड़ी हस्तियां अपने अनुभवों के साथ आगे आई हैं और अपने साथ हुए गलत बर्ताव के लिए आवाज भी उठा रही हैं। अब आने वाले दिनों में ये कैंपेन कहां तक जाता है, इसका पता वक्त आने पर ही चल पाएगा। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।